हेलो हेलो बच्चों, सब कैसे हैं? तो जैसे कि कल को हमने पढ़ा था, कल को हमने क्या पढ़ा था? पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किए थे और हमने पढ़ भी लिया था और उसके आगे का आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल का कुछ याद है आपको? कल का कुछ याद है? तो कल हमने पढ़ा था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम इसके बाकी का पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम उसको रिवाइज करेंगे। तो नाउन का मतलब क्या पढ़ा था हमने? नाउन इज अ नेम। नेम किसका? नेमिंग वर्ड्स है। नेम नाउन इज एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। किसी का नेम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, ये सब नाउन में आ जाते हैं। अब प्रनाउन क्या होते हैं? जो नाउन के प्लेस में यूज़ करने वाले वर्ड्स को हम प्रनाउन कहते हैं। ठीक है, वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, जो हम कर रहे होते हैं, क्रिया जो होता है ना, वो वर्ब होता है। और एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, वो एडजेक्टिव होता है। आज हम बाकी के रेस्ट ऑफ फोर पढ़ेंगे, बाकी के फोर चार पढ़ेंगे हम, और उसके लिए हमें इसे ऊपर करना होगा। तो आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब, प्रिपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट ऐड टू मीनिंग ऑफ द वर्ब टू टेल हाउ एन एक्शन इज डन। है ना, वर्ब का मीनिंग बताता है कि हमें बताता है कि वो एक्शन कैसे हुआ। एडवर्ब क्या बताता है? वो वर्ब का मीनिंग बताता है कि वो एक्शन कैसे हुआ। ऐसा वो क्या बताता है? एडवर्ब बताता है। जैसे कि शी सिंग लाउडली। सिंग मतलब वो गा रही है, क्रिया है, वर्ब है। अब वो कैसा गा रही है, कैसा कौन डिस्क्राइब कर रहा है? वर्ब को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? एडवर्ब। जो अब याद रखो, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। वो वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला कौन होता है? एडवर्ब होता है। ठीक है, एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, प्रिपोजिशन। अब प्रिपोजिशन इज अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनादर प्रनाउन और नाउन। एग्जाम्पल ऑन, इन, आफ्टर, एक्सेट्रा। देखो प्रिपोजिशन क्या होता है? प्रिपोजिशन इज अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन और प्रनाउन। नाउन और प्रनाउन के पहले उस वर्ड को यूज किया जाता है, क्योंकि एक रिलेशन बताने के लिए दूसरे नाउन और प्रनाउन के, और पहले नाउन और प्रनाउन के बीच में जो रिलेशन बताने के लिए हम प्रिपोजिशन का यूज करते हैं। और कौन कौन से वर्ड जैसे यूज कर सकते हैं हम? ऑन, इन, आफ्टर, एक्सेट्रा। कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड कॉजेज और सेंटेंस। एग्जाम्पल, अब कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स हैं जो दो वर्ड्स को जॉइन करने के लिए बनते हैं, जैसे कि एंड। तो जैसे कि राम लाइक एप्पल, राम लाइक श्याम लाइक एप्पल। तो अपन अब इसको कंजक्शन को जोड़ देंगे, तो आप ऐसे बड़े सेंटेंस में डाल के अपन ऐसे लिख सकते हैं, राम एंड श्याम लाइक एप्पल, लाइक्स एप्पल, दोनों एप्पल। तो फिर एंड से, एंड एक कंजक्शन है जिसने सेंटेंस को जोड़ दिया। अब इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ हार्ट। देखो इंटरजेक्शन मतलब कोई सडन फीलिंग, जैसे कि अभी आप एक कॉम्पिटिशन देख रहे हो, जैसे क्रिकेट देख रहे हो और पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और इंडिया जीत गई, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? हुर्रे, वाओ, ऐसे जो वर्ड्स निकलते हैं ना, उसे हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। ओके, फाइन, क्लियर? हाँ, तो देखो मैं आज ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि आज ही आपको पूरा रिवाइज करना है घर पर बैठ के, और जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करो। ओके, तो पढ़ना ये इसमें आज। देखो छोटी वीडियो, क्योंकि मैं बस ज़्यादा चैप्टर पढ़ा के दौड़ाना नहीं चाहती मैं, बस आपको क्लियर होना चाहिए जो आप जो पढ़ रहे हो, वो पूरा क्लियर होना चाहिए। अभी तो हमने बस ओवरव्यू देखा है, अब कल हम इसको एक एक चीज़ को डिफाइन करके करेंगे। ओके, है ना, तो फिर आप आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आपको कोई डाउट हो इसके अंदर तो आप इसका पूरा एक और वो होगा कि इसको एक चैप्टर के हिसाब से आएगा वो। देखो जैसे कि बताती हूँ मैं, ये देखो एक चैप्टर पूरा है ना। तो आज के लिए हम इतना, आई थिंक हमें क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर देना चाहिए, है ना। हम क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर ही देते हैं ना।
ठीक है। अ वर्ड यूज टू नेम पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग क्या है वो क्या होता है नाउन। शी सिंग्स वेरी स्वीट द कलर्ड वर्ड इज प्रनाउन शी प्रनाउन होता है। द पिकॉक इज ब्यूटिफुल बर्ड द कलर्ड वर्ड इज ब्यूटिफुल क्या है एडजेक्टिव। द डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर क्या है वर्ब। द कॉक क्राउ वेरी लाउडली क्या है एडवर्ब। नाउन ब्राउन ये देखो ये स्पीच दे रखे इधर ये दे रखा है तो इसे हमें कनेक्ट करना है ठीक है। तो क्या है नाउन क्या है रेनबो रेनबो क्या है नाउन प्रनाउन क्या है हाँ वी एडजेक्टिव ब्राव वर्ब स्विम एडवर्ब स्लोली प्रीपोजिशन इन कंजंक्शन एंड और इंटरजेक्शन आहा। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए हम इधर कंप्लीट करते हैं अब मिलते हैं हम कल की क्लास में विद न्यू चैप्टर ओके बाय टेक केयर।